रोक के बावजूद आसमान में मंडरा रहा है चाइनीज खतरा। नवलगढ़ में चाइनीज मांझे से कटा व्यक्ति का चेहरा, प्राथमिक इलाज के बाद व्यक्ति को किया सीकर रेफर। रोग के बावजूद जारी है चाइनीज मांझे की बिक्री। आसमान में मंडरा रहा चाइनीज खतरा। प्रशासनिक उदासीनता के चलते पतंगबाजी के इस मौसम में आमजन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। चाइनीज मांझे पर कार्रवाई नहीं होने के चलते चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बाजारों में बिक रहा है और यही चाइनीज मांझा लोगों को घायल कर रहा है। ताजा मामला झुंझुनू के नवलगढ़ से सामने आया है, जहां चाइनीज मांझे से एक स्कूटी सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार नवलगढ़ शहर में बिरोल रोड पर स्कूटी सवार व्यक्ति में चाइनीज मांझा उलझ गया। चेहरे पर मांझा उलझने से झरड़ा वाली ढाणी का पुष्कर गंभीर घायल हो गया। पुष्कर स्कूटी से अपने घर जा रहा था। युवक के चाइनीज मांझे के कारण चेहरे पर काफी लंबा कट लग गया, जिससे काफी खून बह गया। आसपास के लोग उन्हें लेकर नवलगढ़ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सीकर रेफर कर दिया। आपको बता दें कि जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं, मगर नवलगढ़ इलाके में प्रशासनिक उदासीनता के कारण प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की खूब बिक्री हो रही है। पतंगबाजी के शौकीन भी इस चाइनीज मांझे की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने एक भी दुकान पर चाइनीज मांझे को लेकर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं होने के चलते नवलगढ़ इलाके में चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। पुष्कर 45 साल सनोप दीपचंद जल्डा वाले डाने का एक केस आया था, जो चाइनीज मांझे से उसकी इंजरी बताई थी। उसके लेफ्ट साइड फेस के अंदर लेसरेटेड वुंड था, खूब लंबा चौड़ा, उसे खूब ब्लीडिंग हो रही थी और यहाँ पे उनका इलाज करके उनको रेफर किया गया। और सर रेफर कहाँ किया गया है, सीकर या जयपुर? यहाँ से हम तो हायर सेंटर जो हमारे नज़दीक सीकर पड़ता है उसको ही करते हैं। तो उनके क्या इंजरी ज़्यादा थी, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, ब्लीडिंग को यहाँ से रोक के उनको जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दे दा के उसके बाद में वहाँ पे सर्जन या जो भी न्यूरो सर्जन है उसके पास रेफर किया गया था। सर गाँव कितने थे, कहाँ कहाँ थे गाँव? गांव लेफ्ट साइड फेस पे था ना, एक गांव था लंबा चौड़ा कट था, जिसको हम हमारी जो मेडिकल भाषा में लेसरेटेड वुंड बोलते हैं। हाँ वो तो वो ही बता पाएंगे, जो भी प्लास्टिक सर्जन या जो भी सर्जन है, कि उसके स्टिचिंग होगी या फिर जो भी प्लास्टिक सर्जरी या सर्जरी होगी।